हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आदि फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वजन कम करने की। बहुत से लोग वजन कम करने के तरीके ढूंढते हैं, बट उस तरीके पर सही से वो काम नहीं कर पाते। तो आज का हमारा जो वीडियो है वजन कम करने के ऊपर ही है, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा वजन कम करने के लिए। तो आइए जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा वजन कम करने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आपको अगर वजन कम करना है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ नियम है उनको आपको फॉलो करना है। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में, आपको कौन से नियम आपको फॉलो करना है वजन कम करने के लिए। हेलो दोस्तों, वजन कम करने के लिए सबसे पहला उपाय है आपका पैदल चलना। पैदल चलने की आपको हैबिट डालना, उसके लिए आपको पूरा मन बनाना पड़ेगा आपको वजन कम करने के लिए कितना पैदल चलना है। इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप धीरे धीरे जैसे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैदल चलना है। इसके लिए आप उसके लिए कम से कम आपको कितना पैदल चलना है वजन कम करने के लिए, चलो आइए मैं बताता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, वजन कम करने के लिए सबसे पहला उपाय है आपका पैदल चलना। पैदल चलने की आपको हैबिट डालना, उसके लिए आपको पूरा मन बनाना पड़ेगा आपको वजन कम करने के लिए कितना पैदल चलना है। इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप धीरे धीरे जैसे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैदल चलना है। इसके लिए आप उसके लिए कम से कम आपको कितना पैदल चलना है वजन कम करने के लिए, चलो आइए मैं बताता हूँ आपको। पैदल चलने में सबसे पहला नियम है दोस्तों, आपको उसमें निरंतरता होनी चाहिए। आपको एक दिन में कम से कम 10 से 15,000 कदम पैदल चलना है। इसमें आपको मिनिमम कम से कम 30 से लेकर 45 मिनट का समय लगेगा। स्टार्टिंग हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो, पर जैसे जैसे आप धीरे धीरे दिन पे दिन पैदल चलेंगे आपकी हैबिट हो जाएगी। और धीरे धीरे आपको पैदल चलने का जो टाइम है ये भी आपको बढ़ाना है, इससे धीरे धीरे आपका फेट कम होने लगेगा, साथ में आपका मोटापा भी कम होने लगेगा और धीरे धीरे आपका वेट कम होने लगेगा। दोस्तों, पैदल चलने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ और ध्यान में रखना है। साथ में आपको क्या है, ढलान वाली जगह का ज़्यादा उपयोग करना है, ऊंची नीची जगह पर ज़्यादा आपको पैदल चलना है। उससे क्या है, आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी और साथ में फैट भी ज़्यादा बर्न होगा। उससे आपका मेटाबॉलिज्म और मांसपेशियां दोनों मजबूत होगी। तो आपको ढलान वाली जगह का ज़्यादा उपयोग करना है पैदल चलने के लिए। दोस्तों, धीरे धीरे आपको चलने की स्पीड में बदलाव करना है, पहले से थोड़ा तेज चलना है। साथ में सीढ़ियों का अधिक प्रयोग करें, मतलब लिफ्ट से आपको नहीं जाना है, सीढ़ियाँ ज़्यादा चलना है। उसके साथ साथ हफ्ते में एक दिन लंबी वॉक पर जरूर जाएँ पैदल, कम से कम 1 घंटे की वॉक आपको एक हफ्ते में करना है। उससे आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, साथ में फेट भी कटेगा और वजन भी आपका कम होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। और अगर आपने पैदल चलना अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो आज से आप स्टार्ट हो जाइए। अगर आपको फेट कम करना है, वजन कम करना है, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा इसके लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।